अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं। अभी मैं ऊपर आया हूँ तो इन सब को मैंने खोल दिया, वो उस मुर्गे को भी खोल दिया। आपस में लड़ते तो है नहीं, वो डरता है इससे, लेकिन यह कि जब से खोला ये उसे तंग कर रहा है तो उसे बंद ही कर देते हैं फ़िलहाल। और इन सब को दाना वगैरह भी डालना है तो पहले उसे बंद करते हैं, फिर इन्हें दाना डालते हैं और फिर आगे की रूटीन आपको दिखाते हैं आज। अभी जी दाना वगैरह इन सब का हो गया, ये एक मुर्गी पी रही है, बाकी ये खड़े हैं, सब अपना खाना खा रहे हैं। ये इधर पी रहे हैं, इन्होंने तब खाना है जब इस मुर्गे ने यहाँ से चले जाना है। तो कितनी देर ये इधर है, हम जाकर तोते के बच्चे को खाना खिला लेते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कि राह और रिंग नेक वगैरह ये जो तोते होते हैं इनके बच्चों को कैसे पालते हैं हैंड फीड पे और टेम कैसे करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना साथ साथ ही है, ये सब मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। देखते रहिएगा वीडियो, अभी चलते हैं नीचे। ये है अलेक्जेंडर राह का बच्चा। ग्रीन रिंग नेक को पालने का भी एक ही तरीका है और इसे भी पालने का एक ही तरीका है। ये इनकी फीड मिलती है, अभी मैंने ये नॉर्मल पैकेट में रखी हुई है, वैसे ब्रांड होता है इनका। और ये इसके साथ सरिंज है जिसमें ये फीड बना के खिलाते हैं। लेकिन मैं जो है ये चने की दाल आप देख रहे हैं, मैं इन्हें यही खिलाता हूँ और ये इनके लिए अच्छी भी रहती है। तो चलें ये मैं खिला के आपको दिखाता हूँ और साथ बताता हूँ कैसे खिलाते हैं इन्हें। तो ये जी दाल मैंने उठा लिया, अब मैंने क्या करना है, दाल को सिर्फ इसका मुँह खोल के उसमें रख देना, बाकी ये दाल खुद खा लेगा, ठीक है। वैसे ये मेरे पास बैठ के खाता है तो इस वजह से थोड़ा सा तंग हो रहा है। अभी मैं और खिला के दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास आ रहा है, एक मिनट, पहले मैं इसे सही से बिठा लूँ फिर इसे मैं खिलाता हूँ दाल। ये जी मेरे पास आ गया, अभी इस ये इसीलिए भी नहीं खा रहा कि पहले मैं इसे खिला चुका हूँ, ये बस थोड़ी सी दाल रह गई थी तो वीडियो के लिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं। तो इस वजह से अभी इसे इतनी ख़ास भूख नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं अगर ये खाता है तो। ये देखें जी बहुत ही आराम से खा लेते हैं ये, और दाल देखें, दाल बिल्कुल नरम है, उंगली से टूट रही है, थोड़ा सा मैं दूर करके दिखाता हूँ। ये देखें जी नरम दाल है बिल्कुल, ये आपने रात को भिगो देनी है और सुबह इन्हें खिलाना है। और ये देखें भूखा अभी है नहीं असल में, इस वजह से खा नहीं रहा। ये देखें दाल इसने खा लिया, इसको मैं रखता हूँ सामने फिर शायद से सही नज़र आएगा, इधर सही पता नहीं चल रहा। ये देखें जी अभी ये इधर आ गया, ये दाल मैंने इसके मुंह में रखी है और ये खुद ही आगे ले गया। तो बहुत आसान है इन्हें खिलाना, पहले कुछ दिन में इन्हें सिरिंज से खिलाना पड़ता है क्योंकि इन्हें आदत नहीं होती। एक बार ये खुद मांगने लग जाए ऐसे खाना तो इन्हें आप आराम से खिला सकते हैं दाल वगैरह। तो ये देखें सिरिंज से भी मैं आपको खिला के दिखाऊंगा इसे, अभी यह कि इसे भूख नहीं लगी हुई, नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँगा तो तब ये भूखा होगा तो फिर ये खाना वगैरह सही खाएगा। तो चलें अभी चलते हैं ऊपर। वो लें जी अभी मैं ऊपर आया हूँ, इनको दाना वगैरह डालना था क्योंकि जब तक वो खुला होता है तो ये दाना सही से नहीं खाते और ये दाना खा भी नहीं रहे थे, फिर मैंने जो है इसे थोड़ा सा भिगो दिया, अब ये काफ़ी शौक़ से खा रहे हैं। तो ऐसी इनकी डाइट अगर थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहे ना तो खाना पीना इनका ठीक रहता है और जितना खाएँगे उतनी जल्दी इनकी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। ये चूज़ा भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से। तो चलें इफ्तारी का टाइम होने वाला है, ये लोग खाएं दाना तो फिर ऊपर वाले परिंदों को दाना डालता हूँ मैं। ये जी इसने मुर्गी देख लिया ऊपर, यहाँ पे आएगी अभी, तो ये उसकी वजह से जो है ना अब थोड़ा सा पागल हो गया। ये देखें जी ये फ्लाइंग चिकन, ये भी यहाँ से जंप करेगी और नीचे आ जाएगी, और इसकी तो आप पहली हालत देख रहे हैं। चलें
ये खाएं तो फिर उनको दाना डालता हूँ मैं ऊपर जाके और बंद करते हैं फिर सब परिंदों को। ये जी इनमें भी एक बड़ी गंदी आदत आ गई है, ये भी एक दूसरे के पार खाने लग गई। अब पहले नहीं खाती थी, अब इन्होंने खाने शुरू कर दिए। दाना वगैरह इनका हो गया और अंडा इन्होंने आज कोई भी नहीं दिया, छुट्टी की है इन्होंने आज। तो इन्हें बंद करते हैं नहीं तो उन्हें नीचे आ जाना, और नीचे वो परिंदे खुले हुए हैं उन्हें फिर ख़राब करती हैं। तो चलें इन्हें बंद करते हैं, चलते हैं नीचे बाकी परिंदों को देखते हैं ज़रा ऊपर से, फिर रफ्तारी का टाइम होने लगा है। ये जी इन सब ने अब खा पी लिया, सब सुकून में है। इस मुर्गी को इस पिंजरे में करना है अभी, और पहले उस पिंजरे की सफाई करनी है, वो करके उस मुर्गी को मैं उस पिंजरे में करता हूँ। अभी इन्हें बाहर निकाला है, देखें फिर अंदर जा रहे हैं। तो चलें आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट लाजमी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।